हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग्स टू फ्लाई। इस वीडियो में हम क्लास 3 की इंग्लिश बुक का चैप्टर 3 की पोयम लिटिल बाय लिटिल को रिसाइट करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। सो नाउ लेट्स रिसाइट दिस पोयम लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल एन अकॉर्न सेट एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हाइड एंड डीप इन द अर्थ अवे। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू लिटिल बाय लिटिल इट सीव द ड्यू। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट स्प्राइड। सो लिटिल बाय लिटिल पोयम एक अकॉर्न के बारे में है। अकॉर्न मीन्स होता है सीड। सो वो सीड अकॉर्न अपने बारे में बता रहा है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो कैसे कैसे उसकी जड़ें पूरी जगह फैल जाती हैं, कैसे वो माइटी ओक ट्री बन जाता है और कैसे वो फॉरेस्ट का प्राइड होता है, गौरव होता है। सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट स्टैंजा। लिटिल बाय लिटिल एन अकॉर्न सेट एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड। अब मॉसी बेड उसका होता है ग्राउंड। सो जब अकॉर्न ग्राउंड में बोया जा रहा था तब वो बोलता है लिटिल बाय लिटिल आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, मैं ज़मीन के नीचे छिपा हुआ हूँ। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू लिटिल बाय लिटिल इट सीव द ड्यू। और थोड़ा थोड़ा करके वो हर रोज़ बड़ा होता है और थोड़ा थोड़ा करके वो ड्यू को पी लेता है। सो आप सेकेंड पिक्चर में देखेंगे कि ट्री में जो लीव्स हैं उसके उसमें कुछ कुछ छोटी छोटी बूंदें हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्यू। सो इसी को अकॉर्न पी लेता है। नाउ सी द सेकेंड स्टैंजा। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट। अब ज़मीन के नीचे उसने थ्रेड जैसी रूट्स को निकाली हैं और ज़मीन के ऊपर उसकी शूट्स हैं। शूट्स होते हैं ज़मीन के ऊपर के प्लांट के भाग। तो शूट्स में आते हैं स्टेम और लीव्स और फ्लावर्स और फ्रूट्स। नाउ सेकेंड लाइन। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर। और दिन गुजरने और साल गुजरने के बाद थोड़ा थोड़ा करके उसके पेड़ में लीव्स आने लगती हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट स्प्राइड। सो अब स्लेंडर ब्रांचेस मीन्स होती हैं पतली डालियाँ। सो उसकी जो पतली डालियाँ होती हैं वो पूरी जगह फैल जाती हैं और तब तक का वो माइटी ओक ट्री मतलब कि शक्तिशाली ओक ट्री फॉरेस्ट का गौरव रहता है, प्राइड रहता है। सो हमने पोयम की एक्सप्लेनेशन कर ली है। लेट्स सी द न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स आर हाइडन स्लोली डाउनवर्ड स्लेंडर माइटी ब्रांचेस प्राइड इम्प्रूविंग सिप्ट एंड शूट। सो हाइडन मीन्स होता है छिपा हुआ, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर, स्लेंडर मीन्स पतला, माइटी मीन्स ताकतवर, ब्रांचेस मीन्स डालियाँ, प्राइड मीन्स गौरव, इम्प्रूविंग मीन्स बदलना, सिप्ट मतलब पीना और शूट मतलब कि प्लांट में सॉइल के ऊपर का भाग। सो न्यू वर्ड्स आर कंप्लीटेड। लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इट इज रीडिंग इज फन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ट्री दैट द अकॉर्न ग्रोज इन टू।
अब जो अकॉर्न है वो कौन से ट्री में ग्रो करता है? सो अवर आंसर इज द अकॉर्न ग्रोज इनटू एन ओक ट्री, वो ओक ट्री में ग्रो करता है। सो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो? अब सीड को क्या क्या चीज़ें चाहिए रहती हैं बढ़ने के लिए? सो अवर आंसर इज अ सीड नीड्स एयर, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। सीड को एयर यानी कि हवा, वाटर यानी कि पानी और सॉइल यानी कि मिट्टी चाहिए रहती है बढ़ने के लिए। सो लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोयम? अब पोयम लिटिल बाय लिटिल में कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको मिले? सो अवर आंसर इज डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द पोयम आर स्लोली, इम्प्रूविंग, डीप, सेप्ड, टाइनी, स्लेंडर, माइटी, एक्सेट्रा। सो टुडे वी हैव कम्प्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोयम लिटिल बाय लिटिल। द नेक्स्ट डे वी विल डू द एक्सरसाइजेस। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।